अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इन विच एनी सब्सटेंस चेंज सॉलिड स्टेट टू लिक्विड। वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फेज से या सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। मीन ये वो पॉइंट है जहाँ कोई भी जो सॉलिड चीज़ है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो बर्फ़ है वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर उसे थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जितना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे उसे हम कहेंगे ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मीन इस पॉइंट पे या इस टेम्परेचर पे बर्फ़ जो है अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड बॉयल्स एंड चेंज इनटू वेपर्स। वो टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है वो बॉयल होता है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सपोज डैट हमारे पास ये आइस है सॉलिड फॉर्म में, इसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ये सॉलिड फेज से सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट होना ही था मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो ये वाला लिक्विड है इसको हम मज़ीद टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ये लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो टेम्परेचर जिसमें ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया वो है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है पीरियडिक ट्रेंड along the periods when we move from left to right in the periodic table, melting point and boiling point increase up to fourth A group and then decreases. जब periodic table में हम left to right move करते हैं, melting point और boiling point increase करते हैं fourth A group तक, उसके बाद ये decrease करना start कर देते हैं। हम इसकी रीज़न को देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियडिक टेबल में मूव करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ क्यों करते हैं। ग्रुप वन ए से लेके फोर ए तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं, जबकि फिफ्थ ए से लेके एट ए तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ 1a due to it has only one electron for bonding। जो ग्रुप 1a है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2a इंक्रीज ड्यू टू इट हैज़ टू इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। जो ग्रुप a है उसमें जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ वन है, सेकंड वाले में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वन ए। उसके बाद है इसकी डिपेंडेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब ये हुआ इसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। नेक्स्ट हमने देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे। इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज टॉप टू बॉटम ड्यू टू साइज ऑफ एटम इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। पीरियडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं मीन अबव टू बिलो मूव करते हैं, साइज ऑफ एटम जो है इंक्रीज करता है। एटम का साइज इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ शेल भी इंक्रीज़ करेंगे और एटम का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करेगा। एटम का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी।
जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है एटम का, इसका साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। सेकेंड में नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं फर्स्ट की बनिस्बत। जो फर्स्ट वाला एटम का स्ट्रक्चर है इसमें फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं? क्योंकि इसमें जो साइज़ है एटम का वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। जब एटम का साइज़ जो है वो लार्ज हो गया, फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हैलोजन के केस में इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं। इन केस ऑफ हैलोजन 7A ग्रुप द अटोमिक साइज़ इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो साइज़ है एटम का वो इंक्रीज़ करा है टॉप टू बॉटम, मीन अबव टू बिलो इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये इंक्रीज़ क्यों कर रहा है? ड्यू टू इंक्रीज पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ एटम, इंक्रीज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ऑफ हैलोजन। इस केस में भी जो एटॉमिक साइज़ है वो तो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो पोलराइजिंग एबिलिटी है या इन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। ये क्यों स्ट्रॉन्ग हो रही हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और साथ पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ एटम भी इंक्रीज़ कर रही है। इनकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ करेंगे हैलोजन में। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप ऑफ हैलोजन। इसका आंसर ये वाला है। ये था आज का टॉपिक। होप सो यू आर ऑल अंडरस्टूड अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। For getting more lectures about chemistry, subscribe the channel. Allah Hafiz.